ये जो रेसिपी है उसका नाम बहुत सिंपल है, इट्स पनीर मखनी। अब पनीर मखनी बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आप सब चीजें मिला के प्रेशर कुकर में डाल के उसको प्रेशर कुक करें और फिर ब्लेंड कर लें इनटू अ फाइन प्यूरी। दूसरा तरीका है कि आप इसको यहाँ पे खुला पकाएं और उसको ढंग से मैश करें और मैश करें और एट दी एंड वापस उसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि मुंह में इलायची वगैरह ना आए तो दे कैन स्ट्रेन द ग्रेवी। सो आप मक्खन की जगह तेल डाल रहे हैं? मक्खन तेल डाल रहा हूँ पर तेल भी बहुत ज्यादा नहीं डालूंगा, ओनली 1 टेबल स्पून। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा सबसे पहले हमारे जो खड़े मसाले हैं दालचीनी लौंग और इलायची इनको हम भून लेंगे। इसमें खूब सारी दालचीनी जाती है क्योंकि दालचीनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पनीर मखनी में। सो हम लोग 2 स्टिक्स दालचीनी की डालेंगे। गार्लिक जो है रोस्ट हो गया, इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी में एक काम करता हूँ हमेशा कि मसाले टमाटर डालने से पहले डालता हूँ ताकि वो थोड़े से भुन जाए। यस, उसके खड़े मसाले का टेस्ट अलग आता है, खड़े मसाले भी और पिसे हुए भी। तो काफी लोग क्या करते हैं कि पिसे हुए मसाले डालते हैं टमाटर डालने के बाद। मैं उनको आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छा तरीका। तो इसमें ही चिली पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी चुटकी भर। अभी हल्दी के बारे में आपको पता है इसमें करक्यूमिन करके एक एलिमेंट होता है, करक्यूमिन व्हिच जिसे अल्जाइमर होने से रोकता है। ओह वाओ। सो मसाले भुन गए हैं, ज्यादा नहीं भुनेंगे, चिपक जाएंगे। इसमें अब डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। सो ये फ्रेश टमाटो प्यूरी है, 6 टमाटर। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर जो है वो भी थोड़ा बहुत ऑयल नहीं छोड़ देता। उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसके बाद हमें सिर्फ थोड़ा बहुत नमक डालना है, थोड़ा बहुत दूध डालना है फॉर द क्रीमी टेस्ट। क्रीमी टेस्ट। तो अगर हम 1/2 किलो टमाटर ले रहे हैं तो लगभग 1/2 लीटर दूध जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं दूध में वो पके। अच्छा, तो दूध रिड्यूस होकर जब गाढ़ा कर देगा ग्रेवी को तो बड़ा अच्छा क्रीमीनेस आएगी। सो टमाटर काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गए हैं, द कलर हैज चेंज्ड, दे आर लुकिंग वेरी ब्राइट एंड रेड। सो बस धीरे धीरे जो है यहाँ से तेल छूटना शुरू हो जाएगा और फिर इसमें हम दूध डाल देंगे। सो काफ़ी अच्छे तरीके से टमाटर जो है रिड्यूस हो गए हैं, तेल भी धीरे धीरे छूटना शुरू हो गया है। सो दिस इज द राइट टाइम कि अपना दूध डाल देंगे इसमें। तो मक्खन की जगह आपने फैट्स कम करने के लिए आपने दूध डाला और फिर इससे कलर बिल्कुल वही आ जाएगा जो पनीर मखनी का, मलाई और मक्खन वाला जो कलर होता है। एब्सोल्युटली। सो ग्रेवी काफी रिड्यूस हो गई है, हमने इसको 15 मिनट के लिए पकाया धीमी आंच पे और आप देखेंगे तेल दिख रहा है ऊपर सरफेस। हाँ, इस तेल छूट गया, इसका मतलब अच्छी तरीके से कुक हुआ है। पर अभी इसमें एक चीज की कमी है और वो है मिठास, क्योंकि पनीर मखनी में थोड़ा बहुत मीठा बनाता है, लोग चीनी डालते हैं। अगर असली मिठास चाहिए और फ्लेवर इम्प्रूव करना है इसका तो हनी is a better substitute and it does very well. भले ही बटर चिकन हो या पनीर मखनी, हनी जो है it does मतलब उससे जो स्वाद आता है और टेक्सचर भी मेंटेन होता है, it's very nice. So आज से मेरे किचन में शुगर की जगह इन सब डिशेज में हनी पड़ेगा। हनी पड़ेगा, बिल्कुल। It is very good for digestion. इसको हम 5 मिनट के लिए सिमर करेंगे, हनी डाल दिया है और पनीर डाल के और एंड में इसको फिनिश करेंगे धनिया और कसूरी मेथी के साथ। So अब हम पनीर डालने जा रहे हैं। पनीर के बारे में आपको बता दूँ कि पनीर इज न्यूट्रिएंट्स पैक्ड फूड, जैसे कि चिकन होता है, आप बटर चिकन बना लो या पनीर मखनी बना लो, बात ही एक ही है। क्योंकि जो प्रोटीन कंटेंट इन पनीर इज़ वेरी गुड एज वेल एज द कैल्शियम कंटेंट, तो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे स्किन टेक्सचर को अच्छा करता है, हेयर की लेंथ बढ़ाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फूड टू हैव बट लिमिटेड मात्रा में क्योंकि कैलोरी रिच भी होता है। सो पनीर भी जो है सिमर हो चुका है, लेट्स फिनिश दिस विद कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो स्पेशल टेस्ट के लिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब टेस्ट से पता चलेगा टेस्ट वाकई पनीर मखनी वाला है या नहीं। सो इसको हम प्रेजेंट करते हैं। सो टेस्ट किया जाए। यस, वाकई क्या स्वाद है। हनी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि थोड़ी बहुत मिठास
आती है। सो बिना बटर के भी ऐसे पनीर मखनी बनता है, मैंने तो नहीं सोचा था।